हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहे थे शाम के 5 और मुझे बनाना था डिनर, तो मुझे जल्दी आज डिनर करना था इसलिए मैं जल्दी बनाने लग गई थी। जल्दी करने के लिए तो जल्दी बनाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने अभी प्याज कट कर लिया है और आज मैं बनाने वाली हूँ दाल तड़का एंड रोटी, चने दाल का तड़का जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसको एक्चुअली हेल्दी भी बहुत होता है और बन भी बहुत जल्दी जाता है। इसको बनाने में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। दाल तो मैंने प्याज और टमाटर कट कर लिया है, शिमला मिर्च वगैरह मैं कट कर रही हूँ तो सब कट कर लूँगी। उसके एक्चुअली मुझे आज जाना है, थोड़ा बाहर जाना है, कुछ सामान लेना है घर का, तो उसके लिए मैं जल्दी जल्दी डिनर बना के उसके बाद कुछ चपाती भी बनानी है, तो मैं बनाने के बाद ही जाऊँगी। चपाती नहीं बनाऊंगी, बेसिकली सिर्फ आटा लगा के रखूंगी, चपाती आने के बाद बनाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने सारा कुछ डाल दिया है इसमें, जीरा मिर्च वगैरह डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको रेसिपी देखना है तो मैंने प्रॉपर दिखाया आपको, प्याज टमाटर वगैरह सब डाल के। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था अभी बनाने का, तो रेडीमेड पेस्ट लेके आया था मैंने। हींग और ये सारे मसाले मैंने डाल दिया है, ये हल्दी, नमक, गरम मसाला और धनिया सब डाल दिया है। इसको थोड़ा चला के फिर दाल मैंने पहले ही भिगो के रख दिया है, तो वो मैं इसके बनने के बाद डालूंगी। और मुझे एक्चुअली काम करते करते गंदगी पसंद है, तो मैं किचन भी साफ़ करते जाती हूँ साथ में, और किचन साफ रहता है तो काम करने में भी मन लगता है। तो ये मैंने दाल धो के रखा था तो मैं ये डाल देती हूँ। तो सारा पानी भी मैंने डाल दिया, कुकर लगा दिया है, और ये धनिया पत्ता मैं बाद में डालूंगी, तो अभी मैं इसको जस्ट निकाल के रख रही हूँ। और साथ ही में मुझे रोटी बनाने के लिए मैंने आटा ले लिया है, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है बस, और अभी इसको थोड़ा अच्छे से गूंथ के और रख लूँगी। ज़्यादा नहीं, मुझे 4 चपाती बनानी है, हम दो दो ही खाते हैं तो इसके लिए जल्दी बन जाएगा। आटा मैंने रख दिया है, साथ में मुझे अभी करना था नेल पेंट, बहुत काफ़ी टाइम से नहीं लगाया था नेल पेंट, तो मैं सोची थी नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो ये कलर का मैंने लगाया है। बताइएगा दोस्तों, ये आपको कैसा लगा कलर? मुझे बहुत पसंद है ये कलर, तो मैं ये लगा लेती हूँ। मैंने नेल रिमूवर से पुराने वाले रिमूव कर लिए थे, तो ये मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, तो देखिए कैसा लग रहा है। फिर रख दिया मैंने नेल पेंट वगैरह। एंड अभी मेरे हस्बैंड आ गए थे घर पे और मुझे बनाना था चाय, तो ये मैंने दूध चढ़ा दिया है, अदरक को कूट लिया अच्छे से, चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद हम निकलेंगे बाहर। तब तक मेरा दाल भी बन गया था, तो इसमें मैंने धनिया वगैरह डाल दिया है, तो उसको भी ढक के रख दूँगी। इतने मेरा चाय भी रेडी हो गया है, चाय बनना, चाय पी के फिर हम जाएंगे। तो ये देखिए, आज मैंने सिर्फ अदरक ही डाला है चाय में, पुदीना नहीं डाला है, तो मेरे हस्बैंड को कभी कभार इतना पसंद नहीं आता पुदीना, तो मैं सिर्फ अदरक डाल के बना देती हूँ। तो ये देखिए, मैं चाय के साथ ही चिप्स भी खाया है। तो हम निकल गए हैं और पास में ही मार्केट है अच्छा, तो वहाँ पे जा रहे हैं, अगर कुछ थोड़े बहुत जो घर के वगैरह सामान होंगे वो ले लेंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ, ये एक विजेता मॉल करके छोटा सा मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, तो देखते हैं मुझे क्या क्या सामान लेना है घर के लिए। तो ये सर्फ वगैरह, ये डस्टबिन बैग वगैरह कुछ कुछ लेना था, तो ये सब देख रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो भी मुझे लेना है वो मैं ले लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये मेरा ख़त्म हो गया था जो वाइप होता है किचन का, तो ये वाला मैंने एक ले लिया। साथ में मुझे चॉकलेट खाना था तो मैं चॉकलेट ले ली, और ये क्रीम भी ले लिया। सेटाफिल मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा डर वगैरह लेके सब सामान लेके आ गए। मैं अब आपको दिखाती हूँ मैंने सारा कुछ कुछ जो भी लिया है। तो ये बर्गर लिया है, ये तो आप देख ही चुके हो, ये मैंने साथ में किचन का कुछ आइटम वगैरह लिया है, क्रीम देख ही चुके हो, और ये साथ में मैंने आइसक्रीम लिया, तो पूरा ही पिघल गया था, गर्मी इतनी है कि पिघल जा रहा है, तो मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। ये आइसक्रीम भी मेरा पिघल ही गया था ऑलमोस्ट, तो ये भी रख दिया मैंने फ्रीजर में जल्दी से। और ये देखिए मेरा सारा सामान, और फिर मैं लग गई रोटी बनाने, जल्दी से रोटी बना के फिर मैं नीचे भी जाना है वॉक करने, तो आज डिनर जल्दी करना है। तो मोस्टली हम डिनर 7 से
8 के बीच में ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नाइट डिनर करना भी सही नहीं होता, रात में पेट हेवी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जल्दी ही डिनर कर ले शाम में। तो मुझे बस 4 ही रोटी बनानी थी, हम दो दो ही खाते हैं मैं मेरे हस्बैंड, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी वगैरह बना रही थी फटाफट। डिनर मैंने लगा लिया है, डिनर करके हम आ गए नीचे वॉक करने। तो नीचे बहुत गर्म, मतलब तो गर्मी तो बहुत हो रही थी, बट ठीक है, हमें वॉक तो मैं रोज़ करने आती हूँ नीचे। और साथ ही मैं ब्रेड ले आई थी मुझे डॉगी को खिलाने के लिए, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रीट डॉग नीचे रहते हैं, तो मैं कुछ कुछ लेके आती हूँ, उनको खाना दे देती हूँ। और फिर मैं वॉकर के ऊपर आ गई थी, मुझे आज करना था नाइट रिजीम। तो ये देखिए मैंने नीम का जूस बना के रखा था पहले ही, तो ये मैं रोज़ रात को कॉटन पैड से लेके अपने फेस पे थोड़ा लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत आपके फेस पे जितने भी पिंपल और दाग वगैरह होते हैं वो क्लीन होने लगते हैं। और साथ में इसके ऊपर, इसके लगाने के तुरंत बाद में ये एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ फेस पे। इससे क्या होता है, आपका पूरा स्किन टोन वगैरह सही हो जाता है। तो मैं थोड़ी देर अप्लाई करके रखती हूँ, हल्का इसको मसाज करना होता है, मसाज करने से सही होता है। फिर ये मसाज करने के बाद मैंने तो धो लिया था, उसके बाद मैं इस पे अपना जो भी क्रीम वगैरह है वो यूज़ करूँगी। तो ये एक टोनर है सेटाफिल का, जो मैं रोज़ नाइट में यूज़ करती हूँ अपने फेस पे लगाती हूँ। तो ये मैंने टोनर लगा लिया, उसके बाद मेरे को लगाना था जो नाइट का क्रीम होता आता है सेटाफिल का, तो वो लगा लिया था। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे लगाती हूँ। उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ये टोनर लगाने के बाद ये क्रीम लेना है, थोड़ा ही क्रीम लेना है, उसको भी फेस पे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिला के लगाना है। इससे आपका फेस बहुत ही सही हो जाता है, पिंपल वगैरह बहुत कम निकलता है। मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये सब रोज़ नाइट में कर लेती हूँ, तो थोड़ा सही रहता है कम। फेस देख लीजिए मेरा कितना सही हो गया है। अभी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।